वार्ड 9 में ठेकेदार द्वारा की जा रही धांधली का मामला वॉइस ऑफ पानीपत पर दिखाए जाने के बाद इसी वार्ड का एक और मामला सामने आया है। वार्ड 11 रामला स्कूल के सामने वार्ड 9 में पाइप बिछाने का काम चल रहा है। पाइप बिछाने के बाद यहां सड़कें भी बनी हैं। पहले आपको दिखाते हैं पाइपों का हाल। जो पाइपलाइन बिछाई गई है उन पर बजरी ही नहीं डाली गई, सीमेंट के नाम पर रेता लगाया जा रहा है। जगह जगह से सीमेंट उखड़ती दिखाई दे रही है। नीचे की पाइप दिखनी शुरू हो गई है और हैरान करने वाली बात ये है कि ठेकेदार के करिंदों द्वारा लोगों से पैसे लेकर कनेक्शन दिए जा रहे हैं। पाइपलाइन बिछाने के नाम पर भी पैसा मांगा जा रहा है। एक मकान मालिक ने पैसे नहीं दिए तो पाइप बिना दबाए ठेकेदार के आदमी छोड़कर चले गए। और इस इलाके में गलियां पक्की बनी हुई हैं, बावजूद इसके पाइपलाइन बिछाने के बाद टाइलों वाली सड़कें भी बननी हैं। अब समझ से परे है कि बिना देखे इन ठेकेदारों को टेंडर कौन जारी करता है और टेंडर के बाद ये अफसर अपने दफ्तरों से निकलकर जांच क्यों नहीं करने आते। कॉलोनी की महिलाएं सरेआम आरोप लगा रही हैं कि उनसे पैसे मांगे जा रहे हैं। वार्ड की पार्षद स्विता रामदेव भी यहां पर आकर अपने वार्ड की शुद्धबुद्ध नहीं लेती। भाई साहब यहाँ तो बहुत समस्या है हमारे को, ये इन्होंने पाइप लगाई थी, इनके हाथ जोड़ने पड़ते हैं, हमारे से पैसे लेके ये काम करने के, इनको 200 रुपए दिए हमने ये करवाने के, उधर सीमेंट लगवाया अलग से, ये देखो यहाँ सारा ये अपना गंद, यहाँ सारा पानी आता है, सारा गंद इकट्ठा होता है। ये पैसे काम करवाने के लिए 200 रुपए लगे हमारे से इसके, हमने बोला काम से, कह रहे नहीं 200 लगेंगे जी, अभी ये कटाई के पैसे इन्होंने अलग मांगे। ये देखो जी यहाँ से महंगा पानी मिल जाता है तो इन्होंने बोला कि खर्चा पानी महंगा दे देंगे, अब खर्चा पानी बहुत समस्या सर यहाँ पे हमारे को 200 रुपए लेंगे, 200 रुपए पानी भैया बहुत गंदा आ रहा है, ये हमें इतनी परेशानी हो रही है, एक तो सड़क के हमारा बहुत परेशान हो रहा है, इतनी यहाँ तालाब बन जाते हैं तो किश्तियाँ लेके बालों को कर लो बहुत, ये पानी जब से ये पाइप डले है ना तब से ही गंदा पानी आ रहा है ये हमारा, नहीं तो पहले तो जिस टाइम पानी चलाओ उस टाइम साफ, इतना पानी साफ आता था, अब तो इतना गंदा पानी आ रहा है पीने के लिए भी तरस गई है पानी। यही दिक्कत है, ये पानी गंदा आता है, ये जब से ये इन्होंने पाइप डाले हैं आधे पाइप तोड़ गए हैं, बीच में लैटरिंग वाला पानी जा रहा है नाली में, तो वो पानी सारा देखो आपके सामने है गंदा आ रहा है। अब इसमें फिल्टर लगे, फिल्टर खराब हो जाएंगे, पहले दो बारी खराब हो चुकी है फिल्टर, पानी का क्या करेंगे हम, वो फिल्टर तो ऊपर से साफ होके आ जाएगा, बाकी तो हमें वो हो जाएगा, ये पानी कौन पिएगा, बुलाओ MC को, पानी पिएगा पता चल जाएगा उसको भी, कोई भी नहीं आई, एक वोट लेने वाले तो बहुत बारी आए हैं, इस बार MC एक बारी भी नहीं चक्कर मार गया, पीले वो MC को बुलाओ ना पानी पिएंगे, ये पता चल जाएगा उनको भी, हमें इतना प्रबल परेशान हो रहे तो वो भी हो ना फिर परेशान। इसके पीछे अब हम क्या कर सकते हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे पूरे ग्रांट दे रहे हैं और विधायिका जी पूरा पैसा दे रही हैं, पर इसका दुरुपयोग किया जा रहा है, ये पार्षद की कमी लगाओ या ठेकेदारी की कमी लगाओ, क्योंकि पब्लिक पार्षद को ही बनाती है कि इन छोटे छोटे कामों के लिए, विधायिका जी तो ध्यान दे नहीं सकती। आज उनका जो मैंने प्रेस नोट माध्यम से अपना बयान पढ़ा कि वार्ड में काफ़ी कार्य चल रहे हैं, तो कमिश्नर साहब ने कौन सा कार्य है, देखो पार्षद की जिम्मेवारी है कि अपना कार्य को देखे कि वार्ड में कौन कौन से कार्य किस तरीके के चल रहे हैं, जो ये कार्य चल रहे हैं बहुत ही गलत चल रहे हैं, तो सरकार का पैसे का बहुत नुकसान किया है, इसमें छवि हमारी भारतीय जनता पार्टी खराब हो रही है, हमारे खट्टर साहब पूरे पानीपत में क्या पूरे हरियाणा में फुल पैसा दे रहे हैं लेकिन इसका दुरुपयोग किया रहा है, इसकी कमी थोड़ा सा अपनी जिम्मेदारी को संभालना चाहिए, मैं तो यही कहना चाहूंगा। जब इस मामले में राजू नाम के व्यक्ति से बात की गई तो उसका कहना था कि वो ठेकेदार का आदमी है और मौके पर उसने अपने आदमी को भेजने की बात कही। 10 मिनट के इंतजार के बाद जब वो शख्स कॉलोनी में पहुंचा तो पैसे लेकर कनेक्शन देने की बात पर मुकर गया, लेकिन जो जवाब इन जनाब ने दिए उनसे भी कोई संतुष्ट होने वाली बात नजर नहीं आई। हमारे लगाए हमारे से चार लिए हमारे मोहल्ले में ऐसा कोई इंसान नहीं है जिससे पैसे ना लिए गए हो। जो मिस्त्री का काम था वो मिस्त्री ने पैसे लिया, मैं पैसे नहीं लिए। तुम सबने बांट के खाए हैं, बांट के खाए है जी, मिस्त्री किसका है? मैं अलग से मिस्त्री लग रही है, मैं कोई काम नहीं कर रहा हूँ। हमारा काम पैंप डालने का है जी, पैंप डालने का है जी, पाइप डालने जी जी जी, पीछे पाइप बिल्कुल ऊपर छोड़ दिया पाइप, मकान है ना, जो काम गलत हो रहा है उसको सही करवाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं। लेबर वाले बंदे लेबर वाले करते गड़बड़ जी, जो काम गलत हो रहा है उन्हें सही करवाऊंगा।
वॉइस ऑफ पानीपत के खास कार्यक्रम भ्रष्टाचार पर हल्ला बोल की टीम आज पहुंची है वार्ड 9 में। वार्ड 9 का इलाका हमने पहले भी दिखाया था आपको, ठेकेदार की मनमानी के तहत वहां पर खुद कमिश्नर महोदय पहुंचे थे, हालांकि काम वहां पर रुकवा दिया है। वार्ड 9 का ही इलाका है लेकिन ये दूसरा छोर है, यहाँ पर भी कुछ ऐसी धांधली ठेकेदार द्वारा की जा रही है। मेरे साथ कुछ लोग हैं इस कॉलोनी के, इनसे पूछते हैं क्या दिक्कत है जी यहाँ पर। मैं अमित खुशीजा वार्ड नंबर 11 का रहने वाला हूँ और बीजेपी युवा मोर्चा के जिला सचिव हूँ। हमारे यहाँ पर जो ऊपर से ग्रांट आ रही है वो सरकार की तरफ से पूरी आ रही है, लेकिन जिस तरह काम होना चाहिए, लोगों की तसल्ली के लिए सीमेंट बढ़िया लगे, मसाला बढ़िया लगे, पाइप ढंग से डलें, लोगों की सेटिस्फेक्शन नहीं है। ये सब ठेकेदार की धांधली है। जिस तरह पक्की सड़क है, हम नहीं चाहते सड़क बने, सड़क हमारी बिल्कुल सही है, छोटी टाइलों की सड़क बनती है, थोड़े दिन चलती है, उसके बाद टूट जाती है। लोग हमारे सारे लोग यहाँ खड़े हैं, वो कहते हैं सड़क सही है लेकिन काम तसल्ली से नहीं हुआ, नालियां ऊंची कर दी हैं और पानी रुक रहा है लोगों घर के आगे, आपस में झगड़ा हो रहा है और ठेकेदार जिसका पाइप का कनेक्शन जोड़ रहा है, प्रणाली का कनेक्शन जोड़ रहा है, 100-200, 200-400 रुपए ले रहा है, जो कि गलत है। हम ये वार्ड 11 का इलाका है, वार्ड 9 का इलाका है, लेकिन एमसी का वार्ड 9 है, वैसे वार्ड 11 माना जाता है। सुविता राम यहाँ की पार्षद है, जब से यहाँ काम शुरू हुआ, जब से पार्षद जीती अब तक एक बार भी यहाँ पर नहीं आई। तो ये आपकी सरकार है, आप कह रहे हैं हमारी सरकार है, उसके राज में धांधली चल रही है, आवाज नहीं उठा रहे आप? हम आवाज उठा रहे हैं, इसलिए हमने आज आप मीडिया को यहाँ पे बुलाया है कि ठेकेदार अपने मनमर्जी से काम कर रहा है, सरकार की तरफ से पैसा सही जगह से आ रहा है, सही जगह लगना चाहिए, हमारी सिर्फ यही आवाज है। आरोप लग रहे हैं ठेकेदार पर कुछ पैसे लेकर कनेक्शन लगाने के, आप बताए जी कितने पैसे लेगा ठेकेदार? हमसे 200 रुपए ले गए हैं। किस चीज के ले गए? ये पाइप का कनेक्शन दिया है उन्होंने। क्या कह रहे थे वो? कह रहे हैं भैया तो अलग से पैसे लेके तब लगाएंगे, तो नहीं तो वो तो छोड़ के भाग गए थे। आपने पैसे दिए? नहीं, सारी लाइटिंग फिर बाहर आती थी, फिर पैसे दिए हैं अब तो तब लगाया उन्होंने। पैसे लेके लगाए? हाँ बताओ जंटी जी क्या दिक्कत है? सानू तो पानी चाहिए सरकारी, अगे टूटी लगी इसी हुन है नहीं, पानी लग जाए साडे घर है नहीं, मेरे को टुरिया नहीं जाता, वोटी वर्दी कल्ली, बस सानू तो पानी लवा दो। जो पाइप लगा दे, आप बताए जो पाइप लगा रहे हैं, कह रहे जी सीमेंट भी लगाएगा उसके ऊपर, वो पैसे पूछे की डिमांड भी कर रहे हैं। हाँ जी, हर एक घर से 200-300 रुपए, जैसे एक लगाएंगे तो एक का 100 रुपया मांगते हैं, अगर 3-4 लगे तो 400 रुपए देने हैं, अगर ना दे तो ऐसे छोड़ के कह रहे भाग जाएंगे, फिर इससे हमारे गंदगी भी अंदर आएगी और पानी भी रुक रहा है, जहाँ जहाँ इन्होंने सिमट किया बिल्कुल बराबर नहीं किया, लेवल नहीं बनाया कहीं से, और पानी सारे घरों में घुस रहा गंदा पानी। आप बताएं। हाँ, एक दो नालियों को साफ करके नहीं लगा रहे, ये टेम्परेली ऊपर से बस पाइप रखते हुए और बंद करते जा रहे हैं बस उसको, हम ये चाहते हैं कि पूरी तरह अच्छी तरह साफ करके नालियों को पाइप बाई फिट किए जाए बीच में, जैसे तो पानी बैक मारेगा तो वो घर के आगे ही आएगा, सब मेन होल बना नहीं रहे हैं, अपनी मर्जी से ही काम कर रहे हैं। ये वो ठेकेदार हैं जो निगम के अधीन आते हैं लेकिन प्रशासन के अधिकारी इस तरफ नजर नहीं लगा रहे, पार्षद भी यहाँ की सविता रामदेव हैं, वहाँ की भी रामदेव थी, तो अभी तक भी कोई भी, कल से हम इस खबर को चला रहे हैं लेकिन रामदेव यहाँ पर पहुंचे नहीं। बताए जी दिक्कत? हाँ आंटी जी बताओ क्या दिक्कत है? हाँ, ये पाइप नहीं सही लगा, हमारे लगाया ही नहीं पाइप, न छोड़ के चले गए। क्यों छोड़ गए जी? वो कहते हैं पैसे मांगते, फिर हम क्या ये नीचा है, हमने कहा नीचा खोद के लगा दो, कहते हैं हम खोदते नहीं। दर्शन अंकल, कुछ थोड़ा जहा नाली का फर्क है, ठीक करके पाइप लगाते नहीं, उत्ते छट के जाते पे ने, पैसे दियो तां तुहाडा ये काम होएगा, पैसे असी दिते नहीं, साडा काम वे छड़ के चले गए ने, ये पाइप बार पिया होया। वो पार्षद जो बनाई है यहाँ की सविता रामदेव जो है, आज तक आई भी यहाँ चक्कर मारने नहीं आई? जब से ये इलेक्शन जीते हैं उसके बाद बिल्कुल आए नहीं है, पानी की प्रॉब्लम हो जाओ तो आ जाएंगे, आते नहीं है, लेकिन अब ठेकेदार ने बिना सोचे समझे कनेक्शन ही काट दिए हैं, पाइप काट दिए बिना सोचे समझे, अगर दिक्कत होती हम खुद कटवा देते, इन्होंने लाइटों के कनेक्शन नहीं है, सर्दी के मौसम में रात को किसी के घर चोरी वगैरह से कौन जिम्मेवार बनेगा, और हमने कहा कि कनेक्शन स्ट्रीट लाइट तो होनी चाहिए, तो कह रहे नहीं जी आप अपने आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लो। वार्ड 9 के बाशिंदे, ये आपको ये दिखाना चाहूंगा, ये पाइप जो है बताया जा रहा है कि ठेकेदार छोड़ के जगह, इसको जो मिस्त्री थे वो छोड़कर चले गए हैं, पाइप ऐसा कैसा रखकर यहाँ चले गए हैं, हालांकि आप देख सकते हैं कि नाली के कितने ऊपर लेवल पर ये पाइप लगाया जा रहा है। इसके साथ ही ये सारा इलाका भी मैं अपने कैमरामैन को दिखाएं, ये पाइप यहाँ बिछा दिए गए लेकिन इसके ऊपर जो सीमेंट लगाया गया है काफी घटिया क्वालिटी का सीमेंट है, ना तो बजरी इसके ऊपर लगाई गई है, इसके ऊपर कोई भी अगर जो मोटरसाइकिल या कोई दोपहिया वाहन चल जाए तो उसी टाइम ये क्रैक हो जाए। आरोप ये लग रहे हैं ठेकेदारों के ऊपर कि कनेक्शन लगाने के नाम पर ये पैसे ले जा रहे हैं। ये दिखाना चाहूंगा आपको, जैसे कि वहाँ वार्ड नंबर 9 में पहले दिखा था, यहाँ का ठेकेदार दूसरा है, ये भी वैसा कि वैसे है कि सीमेंट जो है बिल्कुल घटिया क्वालिटी का और रेता इसमें मिलाया गया है। तो आप समझ सकते हैं कि भाजपा सरकार टॉलरेंस, जीरो टॉलरेंस की बात तो कर रही है लेकिन भ्रष्टाचार का जो मामला है पानीपत में ही देखने को मिल रहा है।
निगम के जो अधिकारी हैं वो यहाँ पर चक्कर नहीं मारते, ये समस्या पर हैं कि कहाँ टेंडर पास कर दिया और वो लोग यहाँ क्यों नहीं आते, चक्कर क्यों नहीं मार रहे। आपके इलाके में भी अगर ऐसे जो ठेकेदार मनमानी कर रहा है या घटिया क्वालिटी का प्रयोग कर रहा है तो हमारी टीम को अवश्य संपर्क करें। हमारा नंबर है 9813110099, इस नंबर पर आप संपर्क करें और हमारी टीम को वहाँ इलाके में बुला सकते हैं। वैसे पानीपत के लिए प्रदीप पंचाल के साथ कुलवंत सिंह।